तो हम लोग अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऑप्टिक्स 112, इसमें केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी पर बेस्ड आएगा, न्यूमेरिकल नहीं, तो उस चीज़ को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखें तो एक बात पर ध्यान रहे, ऑप्टिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें रे डायग्राम होना जरूरी है। आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए रे डायग्राम से, और रे डायग्राम के बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें हाईलाइट करिए कि वो किस फेनोमेना पर बेस्ड है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारा फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है। अभी तक कितना फेनोमेना आप पढ़ चुके हैं? 4 फेनोमेना। तो किस फेनोमेना पर बेस्ड है, किसी एक पर कि 2 पर कि 3 पर, ये बात को आपको हाईलाइट करना जरूरी है। दो चीज आप उसके बाद जो लिखना है वो लिखना तो आपको अपने लैंग्वेज में है, आप बात को समझ लीजिए जैसे हम समझा रहे हैं, उसके बाद अपने लैंग्वेज में लिख करके और तब फिर उसको जो है आप हमको व्हाट्सअप करिए। बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं, तो जो लोग कर चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग एक बार फिर से जो है उसको करेंगे इसको समझने के बाद। लेकिन समझना सब लोगों को है जो कर चुके हैं वो। सबसे पहला क्वेश्चन है साइनिंग ऑफ एयर बबल। अगर एयर बबल पानी में है, ये वाटर है इसके अंदर ये एयर बबल है, तो ये साइन करता है क्यों? तो अब इस क्यों साइन करता है उसका रेडाग्राम से आप समझाइए, मतलब रेडाग्राम आप बना दीजिए, और दूसरा किस फेनोमेना पर बेस्ड है वो आप लिख दीजिए। जैसे सपोज करो कि ये एयर बबल है और कोई एक ऑब्जर्वर इस एयर बबल को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर जो है वो पानी के अंदर भी हो सकता है, पानी के बाहर भी हो सकता है। पानी के अंदर जो है मछली होगा, या कोई डाइवर जो स्विमिंग कर रहा होगा पानी के अंदर वो होगा, या ऑब्जर्वर बाहर होगा, दोनों केस हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर सपोज करो बाहर यहां है, ये हम आई दिखा रहे हैं, ये एयर बबल है, तो इस आई को ये एयर बबल कब दिखेगा? जब इस एयर बबल से लाइट उसके पास पहुंचेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जर्वर होगा, यहां से लाइट इसके पास पहुंचेगा। तो भाई लाइट कैसे पहुंचेगा? अगर हम इस एयर बबल को, इस पूरे को अंधेरा में रख दें तो क्या यहां से लाइट इसके पास पहुंचेगा? नहीं, ये लाइटेड है, मतलब यहां लाइट है दिन के उजाला में, किसी पॉन्ड में कोई एयर बबल है और उसको आप देख रहे हैं। ये जो एयर बबल है उसका हम किसी एक पॉइंट इसको कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को अगर ये देखता है तो इस पॉइंट से रे इसके पास पहुंचना चाहिए। अब इस वाला ये सोर्स तो है नहीं, सोर्स से रे अपने आप निकलता है, लेकिन ये सोर्स तो है नहीं, यहां पर लाइट इंसिडेंट करेगा किसी सोर्स से, तो ये अगर लाइटेड रीजन में रखा है तो सब तरफ से लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा। देखो लाइट ऐसे भी इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे भी इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे भी इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे इस वाले पॉइंट में यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन जो लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुआ, जो लाइट रे इधर से इस पर इंसिडेंट होगा ऐसे, तो दो केस होगा, या तो यहां रिफ्रैक्शन हो तो रिफ्रैक्शन होकर के इसमें इंटर कर गया, इसके पास नहीं पहुंचा, या यहां पर रिफ्लेक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया, उसके पास नहीं पहुंचा। अगर इस ऑब्जर्वर के पास कोई लाइट पहुंचना है तो क्या हम ऐसे रे या ऐसे रे इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद वहां पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब लाइट को इधर से इंसिडेंट होना चाहिए, मतलब इधर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था उससे इसको नहीं दिख रहा है, इसको किस लाइट से दिख रहा है? इस तरफ जो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, अब सपोज करो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्रैक्ट होकर के चला गया, तो क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको ये पता करना होगा कि ये वाटर और ये एयर, वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है। वाटर ये जो फेनोमेना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो किस टॉपिक से बेस्ड है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट इट्स आउटर सरफेस। इस आउटर सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होगा 1/4/3 होता है, 3/4, तो थीटा सी वाटर एयर के लिए 48 डिग्री होता है। सपोज करो ये वाला एंगल जो है ये 48 डिग्री से कम है,
48 से कम है, तब तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल के तरफ, सॉरी इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, तो ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चला गया, इसके पास नहीं पहुंचा। ये जो लाइट है ये एंगल अगर 45 से ज्यादा 48 से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तब क्या होगा, इसका यहां से रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको आप यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर दीजिए, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के फिर इसके पास पहुंच जाएगा। अब ये वाला एंगल सपोज करो कि 48 डिग्री है, दिस एंगल इज, इसको ये एंगल सपोज 48 से कम था, ये एंगल सपोज 48 डिग्री है, इसका ये 48 डिग्री, तो यहां पर जस्ट रिफ्रैक्शन होगा। अब इससे इधर जितना भी लाइट इंसिडेंट करेगा, जैसे ये रे इंसिडेंट हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ, ये जितना भी रे इस पर इंसिडेंट करेगा वो सब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये सब इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकलेगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होकर के भी बाहर निकलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा ब्राइट कब दिखेगा, जब ज्यादा रे यहां से रिफ्लेक्ट हो। यहां से ज्यादा रे रिफ्लेक्ट कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम हो। अभी क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री से कम एंगल पर जो लाइट इंसिडेंट होगा वो तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वो तो उसको नहीं दिखेगा। 48 डिग्री के बाद जो लाइट इंसिडेंट हुआ है, मतलब इस लाइन के इधर जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ है उसका रिफ्लेक्शन होगा, और यहां से लेकर के यहां तक जितना भी रे इंसिडेंट हुआ है उसका रिफ्लेक्शन होगा, और उसके अकॉर्डिंगली इसको वो चीज दिखेगा। अब सवाल ये है, ये जो वाटर है इस वाटर के जगह एक ऐसा मीडियम ले लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक वायल हो जाए। अब क्वेश्चन तुमसे अगर ऐसे पूछे, ये एक वायल हो जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा ब्राइट दिखेगा कि कम ब्राइट दिखेगा? तो आप कहेंगे ज्यादा ब्राइट दिखेगा, क्योंकि वायल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो क्रिटिकल एंगल घट जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बढ़ने से क्रिटिकल एंगल घट जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल अगर 20 डिग्री हो गया तो 20 डिग्री से इधर जितना भी लाइट इंसिडेंट करेगा वो सब रिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपको अच्छा ब्राइट दिखेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इस डायग्राम, आप समझ गए, समझाने के लिए डायग्राम बनाए, आप जो है इस डायग्राम में केवल ऐसे दिखाए इस डायग्राम को, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कैसे दिखाए सोचो, आप जो है इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल दिखा दिए, ये लाइन नॉर्मल है और ये लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ है, ये एंगल थीटा सी से ज्यादा है, थीटा सी से ज्यादा है, ये आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये इसको दिखेगा। ये फेनोमेना इस पर बेस्ड है, अगर ये डेटा लिख दें तो बढ़िया है, याद है तो ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और समझो, अगर कोई एयर, अगर कोई ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, ये अगर एयर में है तो वो ब्राइट नहीं दिखता है। ये जैसे एयर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट का मतलब वाटर का एक बूंद, तो ये वाटर का एक बूंद है, ड्रॉपलेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ये ब्राइट क्यों नहीं दिखता, ये सपोज करो ऑब्जर्वर यहां है जैसे वहां था, तो जो भी लाइट इस लाइन से इस पॉइंट को अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो जो भी लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ है वो तो इसके पास ना तो रिफ्रैक्शन ना ही रिफ्लेक्शन के कारण दिखेगा। जो लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ है, सपोज करो ऐसे या ऐसे या ऐसे, कोई भी रे अगर इंसिडेंट हुआ है, तो क्या यहां पर से ये रिफ्लेक्ट करेगा? आंसर है नहीं। ये लाइट इंसिडेंट हुआ है एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये सरफेस के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, क्रिटिकल एंगल डिफाइन नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल तभी डिफाइन होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, इस केस में डिफाइन होगा क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा था।
इस केस में क्रिटिकल एंगल डिफाइन नहीं होगा, मतलब जो भी रे यहां इंसिडेंट किया है वो सब रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये वाला रे का इनिशियल डायरेक्शन है ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, तो इनिशियल डायरेक्शन इसका ये है नॉर्मल के तरफ, सपोज ऐसे बेंड किया। ये वाला जो रे है ये भी नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, ये वाला जो रे है ये भी नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, ये सब रिफ्रैक्ट करेगा। किसी भी एंगल पर आप इंसिडेंट करवाइए वो सबका रिफ्रैक्शन ही होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो भाई इसके पास तो कोई रे पहुंचा नहीं, तो जब इसके पास कोई रे पहुंचा नहीं तो दिखेगा नहीं। लेकिन तुम कहोगे सर वाटर ड्रॉपलेट अगर है तो दिख तो जाता है थोड़ा सा, क्यों नहीं दिखेगा? ये जो रे यहां इंसिडेंट किया है उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी तो किया है। जब किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है। अब रिफ्लेक्ट कितना किया है डिपेंड करता है, 1%, 2%, 3%। तो ये जो रे इंसिडेंट किया इसका अगर थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट किया, इसका रिफ्लेक्ट किया तो कुछ ना कुछ तो इसके पास लाइट पहुंचेगा ही, और उस कुछ ना कुछ लाइट के लिए ये कुछ ना कुछ दिखेगा, लेकिन ब्राइट नहीं दिखेगा, ये बहुत फेंट दिखेगा। तो ये बात, ये इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया साइनिंग ऑफ एयर बबल। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड का, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जो है वो चमकीला दिखता है, ब्राइट क्यों दिखता है, स्पार्कलिंग स्पार्कल क्यों करता है? तो इसमें जो पॉइंट है जिस पर कि हमको जोर डालना है, स्ट्रेस करना है, वो पहला चीज तो ये है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इवन जितना भी मटेरियल है उस सब में सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा 24 डिग्री। और तुमको ये पिछले क्वेश्चन में बताए कि जिस भी मेटल का क्रिटिकल एंगल कम है का मतलब उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांस सबसे ज्यादा है। अब ये जो डायमंड है ये अगर नेचुरल है तो वो बहुत ज्यादा साइन नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको हम स्पेशल तरीके से कट करते हैं, डायमंड का कटिंग करना ये अपने आप में बहुत ही हुनर का काम है और ये सब जगह नहीं होता है। वो स्पेशल जो ज्वेलर्स है वही इसको कट करता है। तो ये पॉइंट इसमें डालना बहुत जरूरी है कि ए नेचुरल डायमंड हार्डली शोज ब्रिलियंस। नेचुरल डायमंड जो है वो ब्रिलियंस तो नहीं करेगा, मतलब चमकेगा नहीं। इट इज द स्पेशल कटिंग बाय ज्वेलर विच मेक्स इट साइन। इसको साइन करने में ज्वेलर्स का सबसे बड़ा योगदान है। अब देखो ये क्यों साइन करता है, तो ये किस फेनोमेना पर बेस्ड है? तो ये फेनोमेना इसमें लिखो रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों। केवल रिफ्रैक्शन होगा तब तो वो ब्रिलियंस शो नहीं करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब ब्रिलियंस शो करेगा। जैसे ये डायमंड, सपोज आप डायमंड का एक अंगूठी पहने हैं, तो अंगूठी जब पहने हैं और इधर से देख रहे हैं तो वो चमक रहा है, तो या तो आप इधर से देखें या इधर से किधर से भी आप देख रहे होंगे, और वो जो डायमंड आप पहने अंगूठी का आप ध्यान से देखना वो बिल्कुल नहीं होता, वो उसमें कटिंग किया होता है। तो सपोज करो ये एक डायमंड है जिसमें कि हम ऐसे कट किए हैं इस तरह से, और यहां पर ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है इस डायमंड को, तो ये चमकीला क्यों दिखेगा? क्योंकि जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, जैसे इस वाले सरफेस पर ये जो कट है इस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुआ तो इस पर तो लाइट सब डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा। सपोज इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ, भाई इधर ऐसे से लेके ऐसे इस सरफेस पर तो सब डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होगा। तो इस वाले सरफेस से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये मीडियम कैसा है? रेयरर। ये मीडियम कैसा है? डेंसर। रेयरर से डेंसर में जब कोई लाइट जाता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, 99% रिफ्रैक्शन होता है, या 90 मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। यहां से ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज ऐसे यहां पर इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास पहुंचा, लेकिन इसका जो है वो बहुत कम परसेंटेज, 1% या 2% रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचा, तो उससे ब्राइट तो दिखेगा नहीं। यहां पर जो भी सरफेस, पहला सरफेस पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगा, यहां 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 कहीं पर भी, तो उसका पहले रिफ्रैक्शन ही होगा, उसके बाद
सपोज करो हम इस रे को अगर कंसीडर किए या इस रे को कंसीडर किए, तो कोई भी एक रे इसको कंसीडर करो, ये वाला रे ऐसे आया, रिफ्रैक्शन हुआ, यहां नॉर्मल ड्रॉ किए और ये जो है बेंड करके फिर इस पर इंसिडेंट हुआ दूसरे सरफेस पर। अब काम यहां पर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्योंकि ये जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से गुजर रहा था और इस सरफेस पर इंसिडेंट किया, इसके बाद मीडियम कैसा है, रेयरर। तो इस सरफेस के लिए ये लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर हो सकता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री से ज्यादा है। जैसे ये वाला जो लाइट रे है वो यहां इंसिडेंट किया, इस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो कि 23 डिग्री है, तब तो ये लाइट यहां से बाहर निकल जाएगा, इसको नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बाद ये वाला जो रे इंसिडेंट किया है, तो ये वाला रे जब ऐसे इंसिडेंट किया है तो ये फिर यहां पर इंसिडेंट होगा ऐसे, ये वाला जो रे इंसिडेंट किया है वो फिर इंसिडेंट होगा। तो जितना भी रे इंसिडेंट किया है यहां पर जब इंसिडेंट होगा तो 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पर जो इंसिडेंट होगा, 24 डिग्री से ज्यादा पर, ये सपोज करो 24 डिग्री है, तो इसके बाद जो भी इंसिडेंस होगा वो सब जो लाइट है वो सब यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो सब लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर कटिंग का काम आता है, अगर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस बिल्कुल पैरेलल हो जाए तब तो जितने एंगल पर यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है दूसरे में उतना ही पर इंसिडेंस हो जाएगा, तो उतना ही पर इंसिडेंस होगा तो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे अगर ये पैरेलल है, सपोज यहां पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहां रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गया और ये एंगल सपोज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। अब यहां पर जब आएगा तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल तो ये भी होगा, इसका मतलब यहां पर फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर जो यहां है उसको ये कैसे दिखेगा। यहां पर कटिंग का जरूरत होता है कि यहां से लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के आया है उसको ऐसे सरफेस पर इंसिडेंट करवाएं जिससे कि वहां से रिफ्रैक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट नहीं। तो ये जब यहां पर इंसिडेंट हो तो यहां पर एंगल जो है वो 24 डिग्री से कम हो जाए, तो जब 24 डिग्री से कम हो जाएगा तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, जिसका जिसका 24 डिग्री से कम होगा वो बाहर निकलेगा, जिसका 24 डिग्री से ज्यादा होगा फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे जगह। अब जब तक 24 डिग्री से कम पर होगा तब तो वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, जैसे ही 24 डिग्री से अगर ज्यादा पर हो गया तब उस सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा। हमारा एम क्या है कि इस यहां से लाइट को बाहर निकाले। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी रिफ्रैक्ट होगा। सपोज करो ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर है तो जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ है वो सब रिफ्लेक्ट होगा। अब यहां पर इंसिडेंट होने के बाद अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब तो यहां से बाहर निकल गया, ऐसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरे पर पड़ेगा, अगर यहां भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होते होते जब ऐसे सरफेस किसी पर पड़े, किसी कटिंग पर, जिससे कि एंगल 24 से कम हो जाए तो वह उस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कट करते हैं जिससे कि जो देखने वाला साइड है जिधर से वो चमकता है, क्योंकि अंगूठी पहनते हो तो एक तरफ तो नीचे रहता है ना, तो वहां से तो फायदा है नहीं, तो जो चमकने वाला साइड है उसमें कट इस तरह से किया जाता है, बहुत सारा कट किया जाता है और अलग अलग एंगल पर कट किया जाता है जिससे कि जो भी लाइट उसमें इंटर कर गया है तो मैक्सिमम लाइट वहां से किसी ना किसी सरफेस से बाहर निकल जाए। जब ये बाहर निकल गया तो इसको दिखेगा, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार नहीं, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होगा। पिछले और इसमें डिफरेंस क्या था, पिछले में जो साइन कर रहा था वो पहले सरफेस से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यहां पर जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट किया है उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है अंदर वाले सरफेस से। तो लाइट जब अंदर गया तो उसके अंदर में जो सरफेस है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर वहां से बाहर निकला तब वो आपको दिखा, और जितना ज्यादा लाइट आपके पास आएगा उतने। तो भाई ये एंगल जितना कम होगा, जैसे अगर इसी का 48 डिग्री होता
तो 48 डिग्री तक तो जो रे है वो तो बाहर निकल जाता, उसके बाद ही रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता। तो जितना एंगल क्रिटिकल एंगल कम है उतना ही ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा ही कटिंग जैसा इसमें किया वैसा ही ग्लास में करें तो ग्लास कम चमकेगा क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, तो ज्यादा लाइट उसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कम ही का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो डायमंड जो है वो ग्लास के रिस्पेक्ट में ज्यादा चमकता है, क्यों? तो उसका कारण है कि ग्लास का टोटल क्रिटिकल एंगल जो है वो ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकलिंग का मतलब कि स्टार को जब हम देखते हैं तो उसका पोजीशन जो है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, वो अलग अलग पोजीशन पर दिखता है, एक ही जगह पोजीशन पर फिक्स नहीं दिखता है, इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। या कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, पोजीशन अलग दिखे या कभी दिखा फिर नहीं दिखा फिर दिखा फिर नहीं दिखा, ऐसा होता है, तो इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। ऐसा क्यों होता है सूर्य? ये सपोज करो स्टार है और ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमोस्फियर है जिसको डिफरेंट लेयर में हम डिवाइड करते हैं। अगर अर्थ का एटमोस्फियर नहीं होता, जैसे जिस प्लेनेट का एटमोस्फियर नहीं है वहां पर जाकर के अगर किसी स्टार को देखोगे तो वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा, उसका पोजीशन एक ही जगह फिक्स्ड दिखेगा। चूंकि अर्थ का एटमोस्फियर है तो इस एटमोस्फियर के कारण, अब एटमोस्फियर में होता क्या है कि टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज करता है। जैसे रात में जब आप स्टार को देख रहे हैं तो किसी टाइम पर टेम्परेचर कुछ है, फिर कुछ देर के बाद कुछ है, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज कर रहा है। दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात जैसे ही बढ़ने लगता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करता है ना। टाइम के साथ अगर टेम्परेचर चेंज किया तो डेंसिटी भी डिफरेंट लेयर का चेंज किया। ये जो एटमोस्फियर है इस एटमोस्फियर को हम डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट कर दिए। जो लेयर अर्थ के पास है उसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी सबका सेम नहीं होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी घटते जाएगा, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर लेयर की बात करें, इस लेयर का डेंसिटी अभी सपोज करो कि 0.5 था और उसके अगले सेकेंड इसका 0.6 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहां का जो एयर है उस एयर का डेंसिटी टाइम के साथ चेंज करे। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार डेंसिटी चेंज के कारण नहीं, यहां डेंसिटी तो चेंज करता है उसके कारण नहीं होता है, किसी भी एक जगह का डेंसिटी टाइम के साथ चेंज करता है। यह पॉइंट टू बी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू टाइम वेरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के टाइम के साथ वेरी करने के कारण द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर चेंजेस। तो डेंसिटी इस लेयर का सब लेयर का थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा और डेंसिटी के चेंज के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज। अगर इस लेयर का डेंसिटी चेंज कर गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाए, इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। अब इसको रे डायग्राम से कैसे समझेगा सुनो, सपोज करो कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है और ये इस स्टार को देख रहा है, इस स्टार से जो रे ऐसे निकला, इस स्टार से तो सब डायरेक्शन में रे निकलेगा, जो रे इसके पास पहुंचेगा उसके कारण ये दिखेगा। ये सपोज करो कोई रे ऐसे आया, अब इससे इसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो रिफ्रैक्ट किया, फिर रिफ्रैक्ट किया, हर लेयर से रिफ्रैक्शन होते हुए चूंकि डेंसिटी बढ़ते जा रहा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता जाएगा। ये सपोज करो यहां पहुंचा, अब जब यहां ये रे पहुंचा है तो ये स्टार यहां नहीं दिखेगा, ये स्टार इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए, ये स्टार यहां दिखेगा। अब अगर इस लेयर का डेंसिटी सपोज करो चेंज कर गया, उसके अगले क्षण इसका या इसका किसका भी चेंज कर सकता है या सबका चेंज कर सकता है, तो अगर डेंसिटी चेंज कर गया है तब क्या होगा कि अगर सपोज करो यहां से ऐसे आया, इस लेयर का डेंसिटी सपोज चेंज नहीं किया तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका अगर डेंसिटी चेंज कर गया तो ये जो ऐसे बेंड किया था ये या तो इससे नजदीक ऐसे बेंड कर जाए या इससे दूर ऐसे बेंड कर जाए। तो ये अगर इससे नजदीक बेंड करके आ जाए या इससे दूर ऐसे बेंड करके इसके पास आए, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये स्टार यहां दिखेगा, ये जैसे यहां पर पहुंचा है उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये स्टार का इनिशियल पोजीशन था, ये कुछ देर के बाद पोजीशन हो गया।
अब तुम कहोगे कि सर ये जब यहाँ से ऐसे बेंड किया तो यहाँ से ऐसा भी तो इसका डेंसिटी चेंज होकर के हो जाएगा कि ये यहाँ से ऐसे बेंड करके इसके पास नहीं पहुंचे। अगर इसके पास कोई भी रे नहीं पहुंचा है तो वो स्टार उस समय उसको नहीं दिखेगा। यहां से जो भी रे निकला है अगर कोई भी इसके पास नहीं पहुंचा है तो वो स्टार उसको नहीं दिखेगा। मतलब वो कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। तो इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। अब ये जो फेनोमेना है ये किस पर बेस्ड है? क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है? कहोगे नहीं, कहीं भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है सब जगह। तो दिस फेनोमेना इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। और कैसा रिफ्रैक्शन? इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेरिंग टेम्परेचर के कारण डेंसिटी चेंज करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम के साथ चेंज करता है। तो अगर किसी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका पोजीशन अलग अलग दिखेगा। ये चीज आप एक्सप्लेन कर देंगे। और रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ये तो दो लाइन हम समझाने के लिए बनाए थे, इसको आप चाहे तो छोड़ दीजिए, आप केवल एक ही रे से दिखाइए कि यहां से जो रे ऐसे आया है उसके कारण ये यहां दिखा और कभी यहां दिखा, फिर कभी यहां दिखेगा, तो उसका पोजीशन अलग अलग दिखेगा। तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगला हेडिंग है ड्यूरेशन ऑफ सन्स विजिबिलिटी ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये अर्थ है, ये अर्थ एटमोस्फियर है, इसको हम डिफरेंट लेयर में ब्रेक कर दिए हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी घटता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी घटता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू हाइट, अगर एटमोस्फियर नहीं रहता, जरा बात को समझिए, अगर एटमोस्फियर नहीं रहता तब सन जब हॉरिजन पर होता, भाई आप यहां है मॉर्निंग के टाइम पर और देख रहे हैं सन को, तो ये सन अगर हॉरिजन पर है तब आपको दिखेगा, इससे अगर नीचे यहां पर है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां अगर एटमोस्फियर नहीं रहता तो यहां से जो भी लाइट जाता वो तो स्ट्रेट पाथ पर चलता है। तो ये स्ट्रेट पाथ पर अगर लाइट चलेगा तो कोई भी पॉइंट जो है वो यहां पर अगर नहीं पहुंचेगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो इस वेरिएशन के कारण होता क्या है कि हॉरिजन से नीचे अगर सन है तब भी वो इसको विजिबल हो जाता है। कैसे? यहां ये जो सन है, इस सन से अगर कोई रे हम देखें, ये रे सपोज करो ऐसे आया, जहां तक एटमॉस्फियर नहीं है वहां तक तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। और जब यहां ये पहुंच गया तो जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो सन यहां दिखेगा। जब ये सन यहां पर है तो वो यहां पर अपीयर होगा। इस दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल है ये हाफ डिग्री आता है, इसको हम लोग शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट बाय हाफ डिग्री। ये हाफ डिग्री शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग अगर टाइम शिफ्ट निकाले कि उसका टाइम कितना होगा, तो भाई ये जो अर्थ है वो 24 घंटे में एक रोटेशन कर लेता है, मतलब 360 डिग्री रोटेट करने में टाइम 24 घंटा लगता है, तो हाफ डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा? एक डिग्री में 24/360, इसलिए हाफ डिग्री में 24/360 गुना हाफ, तो इसको काट दीजिए तो 12 थी ये 36, 1/30 आवर, 1/30 आवर का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट। इसका मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर भी वही फेनोमेना होगा, सन यहां रहेगा ओरिजिन पर रहेगा, तो मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम पर जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट बढ़ जाता है, ड्यूरेशन 2 मिनट बढ़ जाता है, क्योंकि जब सन हॉरिजन से नीचे है तब भी इसको विजिबल हो गया, अब जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा यहां आएगा तो कोई ना कोई रे आएगा जो कि इसके पास यहां पहुंचेगा, उसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहां दिखेगा, फिर यहां आएगा तो ये यहां दिखेगा, जब ये यहां आएगा
तब तो उसको दिखने लगेगा ही, इसके ऊपर जब आएगा तब उसको दिखेगा ही। इसके ऊपर अगर किसी पोजीशन पर सन है तो उसी पोजीशन पर दिखे हम ऐसा नहीं कर रहे, हो सकता है उसका पोजीशन कोई दूसरा दिखे, ऐसा हो सकता है, लेकिन सन तो आपको दिखेगा। इस पोजीशन से जब नीचे है तभी से सन दिखना शुरू हो जाता है, और जब इस पोजीशन से नीचे होगा इवनिंग के टाइम पर तब तक सन दिखता रहेगा। भाई आप जो दिन और रात लेते हैं, हम लोग जनरली कहते हैं कि दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का, तो 12 घंटे का मतलब इस हॉरिजन से जब ऊपर सन है तो यहां से यहां तक आने में 12 घंटा लगना चाहिए, और यहां से यहां तक आने में फिर से 12 घंटा लगना चाहिए, लेकिन इसमें तो सन दिखेगा ही, क्योंकि इसमें किसी भी पोजीशन पर रहेगा तो उसी पोजीशन पर दिखे ऐसा जरूरी नहीं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में देखे थे कि पोजीशन उसका अलग दिखा लेकिन दिख तो रहा था, तो यहां पर जब सन है तो वो दिखेगा लेकिन उससे जब नीचे है तब भी दिखेगा, तो आपको जो दिख रहा है वो तो यहीं से दिखना शुरू हो रहा है और वो यहां तक दिख रहा है, तो 2 मिनट इधर बढ़ गया और 2 मिनट इधर बढ़ गया, तो टोटल जो है 2-2 मिनट दोनों समय इंक्रीज कर जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ विजिबिलिटी ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग क्यों इंक्रीज करता है, ये किस फेनोमेना पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन, और क्यों, क्योंकि डिक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू हाइट, हाइट के साथ जैसे जैसे डिक्रीज करेगा ये लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड होता जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करना है तो ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, इसको हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि एक ही केवल फेनोमेना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन किसके कारण, टाइम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ हम चेंज को कंसीडर नहीं किए हैं, हम कंसीडर किए हैं हाइट के साथ इसका चेंज कर रहे हैं, तो इसको आप कर दीजिए, ये अगर लिखना चाहे तो इसको लिख दीजिए, फिर अपने सोच को कोशिश कीजिए।